नमस्कार। दिल्ली में कोई राजनीतिक घटनाक्रम हो तो उसका असर उत्तराखंड में भी जरूर पड़ता है। दिल्ली में एक घटनाक्रम होने जा रहा है, एक नया घटनाक्रम। केंद्र में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार बन गई, लेकिन बीजेपी की चिंताएं बढ़ गई क्योंकि इस बार गठबंधन की सरकार है और बीजेपी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनका कार्यकाल 30 जून को खत्म हो रहा है। बीजेपी को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नए चेहरों की तलाश है और इसके लिए दिल्ली में खूब मंथनों का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी पार्टी के भीतर, सरकार के भीतर और संघ के भीतर, और इन सब के आपसी सामंजस्य को ध्यान में रखते हुए नए अध्यक्ष के नाम की चर्चा तेजी से होने लगी है। कई कयास हैं, उन पर हम आज चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन बात यहां पर हम यह कर रहे हैं कि अगर दिल्ली में राष्ट्रीय नेतृत्व में परिवर्तन होगा तो उत्तराखंड में क्या होगा। महेंद्र प्रसाद भट्ट, जो उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनका कार्यकाल भी समापन की ओर है और जब दिल्ली में अध्यक्ष बदला जाएगा तो क्या उत्तराखंड में भी प्रदेश अध्यक्ष बदलेंगे? यह ऐसा सवाल है जिसका जवाब हो सकता है अगले कुछ दिनों में मिल जाए। अंदर की बात यह भी है कि बीजेपी के भी कई नेता सक्रिय हैं और वो भी अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। हालांकि बीजेपी के भीतर से बहुत ज्यादा खबरें बाहर नहीं आती हैं, लेकिन जो अध्यक्ष बनाया जाएगा उसकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होगी और उसका कारण यह है कि जो आज बीजेपी का अध्यक्ष बनेगा उसी के नेतृत्व में 2027 के विधानसभा के चुनाव होंगे। ये एक महत्वपूर्ण बात है और बीजेपी को एक फुल टाइम अध्यक्ष चाहिए या महेंद्र प्रसाद भट्ट को ही वो अध्यक्ष बनाकर रखेंगे, इसको लेकर कयासबाजी चल रही है। महेंद्र प्रसाद भट्ट भी होल टाइम अध्यक्ष हैं और संगठन में लगातार सक्रिय रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने महेंद्र प्रसाद भट्ट को राज्यसभा भेजा है, इसीलिए कयासबाजी हो रही है कि क्या महेंद्र प्रसाद भट्ट का कार्यकाल रिपीट होगा या नए प्रदेश अध्यक्ष को लाया जाएगा। वैसे एक जानकारी कई तरीके से आ रही है कि जब अमित शाह केंद्र में, मतलब राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बीजेपी के 2014 से 2019 के बीच में, तो उन्होंने संगठन को नए सिरे से खड़ा किया था और 2019 में लोकसभा चुनाव बीजेपी जीत गई थी और 2019 से 2024 के बीच में नड्डा साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे बीजेपी के, हैं अभी बीजेपी के, और पार्टी का जो प्रदर्शन है वो कई जगह बहुत फीका रहा है और लोग कहते हैं कि अगर अमित शाह के हाथ में ही कमान होती तो हो सकता है पार्टी की परफॉर्मेंस काफी बेहतर होती। यानी जो संघ और बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व है उनके बीच में चर्चा हो रही है कि एक ऐसा मंझा हुआ नेता, एक ऐसा कुशल रणनीतिकार होना चाहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पार्टी को लगातार एक्टिव मोड में रखे और लगातार इंगेजमेंट कार्यकर्ताओं का हो, क्योंकि इस चुनाव में कार्यकर्ता डिमोटिवेटेड फील कर रहा था। इस तरीके की खबरें कई बार आई और उत्तराखंड के संदर्भ में हम ये बात कहते हैं कि महेंद्र प्रसाद भट्ट राज्यसभा चले गए हैं तो हो सकता है बीजेपी किसी नए चेहरे को आजमाने की कोशिश करे जो लगातार फील्ड में एक्टिव हो, कार्यकर्ताओं से लगातार संवाद करे और पार्टी को लगातार एक्टिव मोड में रहे, क्योंकि जब 2027 के विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में हो रहे होंगे उस समय राज्य सरकार को 10 वर्ष पूरे हो जाएंगे और वो एंटी इनकम्बेंसी का सामना उस समय ना करना पड़े, इसलिए उसकी तैयारी अभी से करनी है और इसकी तैयारी होनी शुरू भी हो गई है। जो विधानसभाएं हारे थे उसकी समीक्षाएं होनी शुरू हुई, लोकसभा के भी जो चुनाव हुए उसमें भी जो 10 विधानसभाओं में बीजेपी पीछे रही उसकी चर्चा अलग से होनी शुरू हो गई है। पार्टी ने बड़े बड़े नेताओं को एंगेज कर लिया है, लेकिन
जो अध्यक्ष होता है सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उसी के कंधे पर होती है। हालांकि जो पार्टी का चेहरा होता है और जो सारे काम एक तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा होता है केंद्र के निर्देश पर, वो एक बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री का होता है। लेकिन जो निर्देश राष्ट्रीय स्तर से मिलते हैं उन्हें मुख्यमंत्री जमीन पर नहीं उतार सकते, क्योंकि वो सरकार के मुखिया होते हैं, उस समय अध्यक्ष की आवश्यकता होती है। वैसे महेंद्र प्रसाद भट्ट अभी तक के कार्यकाल में खरे उतरे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी कई जगह पिछड़ गई, हरियाणा में पिछड़ गई, राजस्थान में पिछड़ गई, ऐसे ही कई और दूसरी जगह पे बीजेपी अपेक्षा के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाई और उत्तराखंड की पांचों सीटें बीजेपी बहुत अच्छे मार्जिन से जीती है। 2019 के मुकाबले मार्जिन थोड़ा कम हुआ, लेकिन बहुत अच्छे मार्जिन से पार्टी जीत गई है। अब जिम्मेदारी यहां से और बढ़ जाती है कि जो लोग जीत कर संसद पहुंच गए हैं उन्हें भी इंगेज रखा जाना है, सरकार के जो मंत्री हैं उन्हें भी इंगेज करके रखा जाना है, जो बड़े कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं, उन्हें भी इंगेज करना है और कार्यकर्ता को लगातार काम देते रहना है, एक्टिव मोड में रहना है। अब महेंद्र प्रसाद भट्ट पिछले 2.5 साल से लगातार अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, 2.5-3 साल से। अब दिल्ली में जब बदलाव हो रहा है तो कई बार यह भी होता है कि जब दिल्ली में बदलाव होता है तो नए नेताओं के साथ केमिस्ट्री जमानी होती है, तो ही इस बात की चर्चा हो रही है। और चर्चा खास तब होनी शुरू हुई है जब संघ के भीतर से भी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कई तरीके की सुगबुगाहटे शुरू हो गई है कि किसे संघ का आशीर्वाद मिलेगा, किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद मिलेगा, किसे अमित शाह का आशीर्वाद मिलेगा। ये जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री और अमित शाह का हाथ जिसके सर पर होगा, अध्यक्ष वही बनेगा, लेकिन उसकी जिम्मेदारियां बहुत होंगी, क्योंकि जो अध्यक्ष बनेगा उसके तुरंत बाद कई सारे विधानसभाओं के चुनाव होंगे। एक बार विधानसभा के चुनाव खत्म होंगे तो फिर एक विधानसभा चुनाव होंगे, और जब तक वो विधानसभा चुनाव खत्म होंगे तब तक कार्यकाल काफी निकल जाता है, तो किसी के ऊपर कौन सा ठप्पा लगेगा, क्या चीजें होंगी, ये सारी चीजों को लेकर कयासबाजी हो रही है। और उत्तराखंड में भी जो अध्यक्ष बनेगा उसके सामने विधानसभा चुनाव से पहले स्थानीय निकाय चुनाव और पंचायत के चुनाव सामने होंगे, तो अपनी कुशल रणनीति बनाने के लिए किसे मौका दिया जाएगा, वो व्यक्ति किस तरीके से कार्यकर्ताओं को और बड़े नेताओं को इंगेज करके रखेगा, और क्या वाकई में महेंद्र प्रसाद भट्ट का कार्यकाल यहीं तक है या उनके कार्यकाल को विस्तार दिया जाएगा, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर विराम लगाने की अब कोशिश शुरू हो चुकी है पार्टी की तरफ से। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पार्टी हो सकता है किसी नए चेहरे पर दाव लगाए जो विधायक और किसी सांसद की भूमिका में ना हो और पूरी तरीके से फुल टाइम वो अध्यक्ष की भूमिका में हो, जैसे महेंद्र प्रसाद भट्ट अभी तक अध्यक्ष की भूमिका में थे, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2022 का वो हारे थे और अब उनको राज्यसभा भेजा गया, तो इन दोनों के बीच का जो कार्यकाल था, जो गैप था, उसमें प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में भट्ट साहब नजर आए थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक ऐसा फुल टाइम अध्यक्ष हो सकता है बीजेपी तलाश ले जो ना विधायक हो और ना सांसद हो और ना किसी दूसरी जिम्मेदारी से बंधा हुआ हो। अभी के लिए साथियों इतना ही, अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।